अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतवार है, इतवार के छोले हाजिर है। ये रे छोले, ये खाते हैं और फिर निकलते हैं। हो गए तैयार, चलें आहिस्ता आहिस्ता। लाइट करे बंद, पंखा बंद करो। आ जाओ बाहर, दरवाज़ा खोलो। बैठक जाता है जब सही ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। या बंद दरवाज़ा, चप्पल पहने और निकल लो। या फिर एडजस्टमेंट दिया, माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो गया। कलर भी करवा लिया, दीवार भी कलर करवा लिया इसने। सही है, अंदर माशाल्लाह अच्छा खासा ठीक ठाक बन गया। कभी दरवाज़ा खुलेगा तो आपको बताऊंगा। ये चेक कर माशाल्लाह, मौसम तो माशाल्लाह एक हफ्ते से ऐसा ही है, हवादार, बादल भरे हुए। ये मौसम है भाई जबरदस्त। सुभान अल्लाह। चलते हैं अपने काम की तरफ, वहीं पे जा रहे हैं। आज मौसम कल से काफ़ी अच्छा है। ऊपर मजदूर को देखो काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल है काम करना मजदूरों के लिए। देखो ये वाला बिल्डिंग को वैसे चढ़ते हैं, पता नहीं जैसे कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको जिम तो ले गया हूँ, लेकिन जिम के मैंने बाहर का हिस्सा मैंने आपको नहीं बताया। आज इतवार का दिन है तो शायद बंद होगा, तो बाहर का हिस्सा मैं आपको बता दूँ कैसा है, कौन सा गेट है। इस गली में टर्न होना होता है, पतली गली में ये जिम है। ये जिम है डायनेमिक जिम, लेडीज़ फिटनेस क्लब। टाइमिंग अलग है लेडीज़ के, अलग है 11:30 से 4 बजे तक की, और अपनी स्टार्ट होती है 5:15 बजे। 5:15 बजे जेंट्स आते हैं, और सुबह को भी जो है फजर के बाद खुल जाता है, और 11 बजे तक जो है ना जेंट्स रहते हैं। आज इतवार है तो आज बंद है ये। चलो वापस काम पे जा रहे हैं। हाँ तो खवातीन हजरात नाजरीन, हमारे पास आ गए, फजर में बैठ गए। बोले भाई हम आ गए हैं, कुछ पूछ लो। आ गए कुछ तो भाई क्या करें, बस पूछना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। हेलो भाई, जवाब दीजिए इसका। वो क्या चीज़ है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? कह रहे हैं क्या कह रहा भाई, हराम है अच्छा, लेकिन पीने से सवाब मिलता है। खड़े हो गए हैं, गड़ हो के, बैठ के, भाग के, दौड़ के, चल के, वो मसला नहीं है, पीने से सवाब मिलेगा ये हराम। I don't know बट किसी और से पूछिंग, इसके बाद बताविंग। हमारे इस मीना बाजार चौक में माशाल्लाह रात को रोशनी हो जाती है, पहले थोड़ा अंधेरा था। यहाँ पर एक लाइट लग गई, नज़र आ रही है एलईडी वाली, ये वो जो है सामने वाली वो कल ही लगी है, ये वाली, हाँ ये कल लगी है दूसरी। और तीसरी वो जो हमारे बिलाल भाई केले वाले हैं ना, आम भी बेचते हैं, केले बेचते हैं उसको, ये तीन लग गए एलईडी, वाइट वाली है, बड़ी ज़बरदस्त रोशनी होती है माशाल्लाह। अब यहाँ पर चौक में रोशनी रोशनी हो जाती है रात को, हमारे ठेले भी रोशनी आती है। जाहिद भाई है सिद्धि वाले, ये बैठ गए हमारे पास जाते हैं। तो सवाल वही वाला है आपको, अगर शायद पता चले तो आप कमेंट में बता देना, लेकिन जवाब तो पता चल ही जाता है इसमें। हाँ आप सही है। अच्छा, आपको ये बताना है कि भाई वो क्या चीज़ है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? कमेंट्स में जवाब मिलेगा भाई, जवाब के बाद या थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। अगर आते तो इस वीडियो में बता देंगे, ऐसे ही ना, ठीक है भाई। एक मिनट यार, बिलाल भाई भी आके बोले एक मिनट यार, तैयार होने दो, तैयार हो गए मैं। अच्छा सवाल करना है भाई, छोटा सा सवाल है, बोलो। वो क्या चीज़ है जो हराम है लेकिन उसको पीने से सवाब मिलता है? वो चीज़ क्या है, वो हराम है जो पीने से सवाब मिलता है? हाँ, वो कौन सी चीज़ है जो हराम करार दी गई है और पीने से सवाब मिलता है? वाह,
इसका जवाब? ये भाई सवाल थोड़ा ठीक ठाक टाइट करके उसमें फिट करके लगाया, नट बोल्ट डाल के। भाई ये कौन सा सवाल तूने कर दिया यार हमारे को? या तो सवाल का जवाब दो या तो केले बेच लो, दो में से एक। केले बेच रहे हैं, सेब भी बेच रहे हैं और प्याज भी बेच रहे हैं माशाल्लाह। सवाल का जवाब दे दिया तो सब बिक जाएगा आपका माल। तो जवाब आएगा तो देंगे ना, सोचना पड़ेगा ना इसके लिए मेरा भाई। ये लाल वाले 150 ले, हरे वाले 100 रुपए। ऐसा जवाब बोले आप, ऐसा सवाल बोले तो इसके लिए जहन लड़ाना पड़ेगा ना भाई। सवाल तूने बोला बिल्कुल बिल्कुल, सोच भाई, सोचने की कोई पाबंदी नहीं है आपको। वो क्या चीज है जो भाई, क्या बोला फिर दोबारा एकदम? वो क्या चीज़ है जो हराम है लेकिन उसको पीने से सवाब मिलता है? भाई ऐसी बात हमारे जहन में नहीं आ रही ना, हमें पता है। भैया आ जाएगी, आप हमारे पास बैठे हो। हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी यार? ये सेब, एक मिनट सेब ग्राहक लगा, एक मिनट पे देना जरा। जो है ना सेब तो हलाल है, सेब जो है ना, सेब प्याज, प्याज जो है ना, नहीं नहीं प्याज भी लाल है खाने के लिए। और बोले सोच रहे कर तो बोलो जल्दी। भाई कैसा सवाल किया है तूने यार, जवाब जो है ना जरा मुश्किल हो रहा है, जरा सोचना पड़ेगा इसके लिए। सोच लो यार, कोई मसला नहीं। हाँ इसके लिए सोच रहे हैं, आधे किलो में दो दाने पड़ा। तो ऐसा सवाल जो है ना समझ से कम बार आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, किसी होते पूछ लेंगे यार। शुक्रिया जी। भाई जिसने सवाल का जवाब दिया, हाथ में 100 रुपए उसको 100 रुपए मिल जाएंगे भाई। 100 रुपए दूंगा अभी तो जल्दी सोचेगा। अभी 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 सोच चलेगी भाई, देखो 100 रुपए में चल जाएगी सोच, देखना अभी। सोचो सोचो, चलो सोचो। भाई इन दोनों को सवाल बताया है, दोनों माशाल्लाह मेरे पास ही बैठे हुए हैं और ये अभी दोनों जरा कशमकश में है कि क्या किया जाए 100 रुपए हासिल करने के लिए। भाई दिखा रहा है मेरे पास आके चिपक के बोला भाई जवाब तो लेके ही जाएंगे, कुछ नहीं कर लो, 10-20 रुपए लेके जाएंगे यहाँ से, मेरा 100 रुपए का नुकसान कर देंगे ये लोग। लेके जाएंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, बहुत सोच रहे हैं भाई। ये सवाल तो मुश्किल लग रहा है लेकिन जवाब देंगे, बोले जवाब देंगे और 100 रुपए लेके जाएंगे। लेकिन जो भी बोले छोड़ो यार, दे देंगे 100 रुपए, मसला नहीं, ऐसे दे देंगे, पिला देंगे चाहे भी, उसको मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरा सवाल का जवाब दे दो, अगर दूसरा सवाल भी अगर आपको आता हो तो। दो सवाल कर रहा हूँ भाई, दूसरा सवाल भी ये हाजिर है कि भाई बताओ कौन सा फल है जो है बहुत मीठा लेकिन उसको हम बेच नहीं सकते? कौन सा फल है मीठा हम बेच नहीं सकते? क्या हो गया जैद भाई, इंटरनेशनल सवाल आते भाई सारे मेरे पास। हाँ जाहिद भाई हंसने वाला काम करो, ये रो रहा है, बोला के रो रहा है भाई, तेरे को दिखा रहा है रो रहा है, कुछ नहीं पा रहा ये। अच्छा फल भी है मीठा भी और बेच नहीं सकते, मुझे बेच नहीं सकते तो उसको खा भी नहीं सकते। अबे यार मीठा बहुत मीठा माशाल्लाह, बहुत मीठा है ना। हाँ उसको बेच नहीं सकते। हाँ जिसने वो कर लिया ना देख सकते हो उसको? नहीं देखने को पता नहीं मेरे को, लेकिन जिसने वो कर लिया उसको मिलेगा। हाँ जी ये फैजान भाई, पहले सवाल का जवाब नहीं अभी मिला नहीं है, दूसरा सवाल पूछे बोला बता दो उसका भी दे देंगे। ठीक है भाई बोल लेते हैं, वो अपना सवाल कौन सा मिली भूल गया। हाँ वो कौन सा फल है जो बहुत मीठा है लेकिन उसको हम बेच नहीं सकते? बैठे नवाब की तरह आप सोच में पड़ गए, पता नहीं क्या करें अभी। 100 रुपए भी दिखाया भाई ने, 100 रुपए मिलेंगे। हाँ जिसने जवाब दिया 100 रुपए मिलेंगे, दूंगा 100 रुपए। दिखा तो सही, 100 रुपए दूंगा मैं, निकाल के तो दिखा। अभी जेब में उधर जेब में पड़े हुए, जेब में पड़े हुए सांप। अरे मिल जाएंगे 100 रुपए यार, मसला नहीं है, मिल जाएगा। ओके हाँ भाई सोच रहे हैं, सोच के बताएंगे मेरा भाई। फैजान भाई अपना सर खुजा रहे हैं, फैजान भाई सर खुजा रहे अपना। हाँ नीचे खा दिखा रहे, सर खुजा रहे यार। भाई फैजान भाई को पहले सवाल का जवाब मिल गया है, ये अगर सवाल का जवाब देते हैं मेरे हाथ में 100 रुपए, 100 रुपए में इसको दे दूंगा मैं भाई। अच्छा आप बताएं, वो सवाल पहला यही था ना कि वो क्या चीज़ है जो हराम है लेकिन उसको पीने से सवाब मिलता है, जवाब क्या है? जवाब ये है, आ गया गुस्सा। अब आपने दिया बिल्कुल ये वाला ठेंगा जो कल जो गलत था ना, आपसे आज सही हुआ है, आज सही हुआ है। लिए भाई ये लीजिए, ये सीधा आज ले लीजिए 100 रुपए, इनाम मिल गया भाई, 100 रुपए रख दो जेब में भाई, दे दिए ना भाई, पक्के 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 हमारे पक्के पक्के हो गए भाई। दूसरा सवाल का जवाब मिलेगा उसको भी 100 रुपए मिलेंगे भाई, वेरी गुड भाई। ये फैजान भाई तो मास्टर मेरे ख्याल में हो चुके हैं, ये दूसरे सवाल का जवाब ही बोले मैं ही दूंगा, वहाँ से ठेले पे गए वापसी आए 10 मिनट का, बोले मैं ही दूंगा जवाब इसका भी। अच्छा पहले सवाल का जवाब दिया तुमको 100 रुपए मिल गए, बताओ भाई 100 रुपए मिले भाई,
इनाम जीता है हमने 100 रुपये। दूसरे सवाल का जवाब देंगे, दूसरा नोट ये रहा, पहले बताओ दूसरा सवाल के इसको 100 रुपये मिलेंगे भाई, ठीक है भाई। दूसरा सवाल क्या था कि वो कौन सा फल है जो बहुत मीठा है लेकिन उसको हम बेच नहीं सकते, जवाब क्या है इसका? जवाब ये है इसका, वो है सबर का फल। भाई क्या है कि हवा अच्छी चल रही है, क्या है फैजान भाई सारे मेरे को लूट लेंगे आज भाई, ये लो भाई ये 200 रुपये कमाए, 200 रुपये।